Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 10th के लिए मैथ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 लाए हैं हम। जैसे कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन थर्ड तक एंड कर चुके, क्वेश्चन थर्ड में जितना चारों क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आई होप उसमें एक जो क्वेश्चन छोड़े थे आप लोग लगा चुके होंगे। अगर लगा चुके होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आप लोगों को टेस्ट जैसे लिया आता है उसी के लिए, उसी तरह आप लोग को कि आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोगों को लिया जाता है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आप लोगों को देंगे जो आप लोग घर पर लगाइएगा, और घर पर लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा उसका आंसर कितना आएगा। आई होप अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए और बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, मतलब 78वां कौन सा पद है। कौन सा मतलब पद, मतलब याद करना पद किसे कहते हैं, यन टर्म, यन टर्म मतलब यन ज्ञात करना है ना। तो इसमें देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और कितना इजी वे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा बता दे रहे हैं, इसमें हम लोग जो ये दिया है श्रेणी लिख दें 3, 5, 8, 13, 18 अब कौन सा पद 78 है ना, 78 कामा देके लिखेंगे, क्योंकि इसमें जोड़ेंगे तो लाइन बाई लाइन आ जाए। 78 कौन सा पद है ये देखना है। तो हम लोग को ए बराबर कितना दे दिया, ए बराबर यहाँ से निकाल लेंगे तो ए बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए डी बराबर निकालेंगे तो इसमें से कितना घटाएं, तो 8 में से 3 घटाएं तो कितना आएगा 5, या तो इसमें से कितना घटाएंगे तब भी 5 ही आएगा, इसमें से कितना घटाएंगे तब भी 5 ही आएगा, तो डी बराबर कितना आ गया 5। अब अंत में जो ये दिया है इसको कह देंगे टी एन, या इसे ए एन भी कहते हैं, बताए थे आप लोगों ए एन भी कहते हैं। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 78, एंड हम लोग को यन पद ज्ञात करना है तो यन वन निकालना है, मतलब यन टर्म निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग फार्मूला जानते हैं, टी एन या ए एन इजकल टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अगर ये पद यहाँ पर रहता तो लास्ट ऑफ पद रहता, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर टी एन बराबर कितना दिया 78, 78 इजकल टू ए कमान कितना है 3 प्लस यन माइनस वन डी कमान 5, ठीक है। इसको इधर कर देंगे प्लस इधर आएगा माइनस, तो 78 माइनस 3 इजकल टू यन माइनस वन इंटू 5, घटाएंगे तो 75। अब ये गुणे में तो बटे में आएगा कि नहीं, तो 75 अपन 5 यन माइनस वन काट देंगे, कितना बार में कटिएगा देखेंगे, 5 करने 5 दो बचेगा, 5 5 25 15 2 3 4 5 5 75 15 बार में कट जाएगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 15 इजकल टू यन माइनस वन, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए इसको इधर लाएंगे, ये माइनस इधर आएगा क्या होगा प्लस, तो 15 प्लस वन इजकल टू यन, तो यन इजकल टू 15 1 16। अब ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या कह सकते हैं, कहने में क्या हो जाएगा, ये कह देंगे कि अतः 16वां पद लिख देंगे, अतः 16वां पद 78 होगा, बस यही हम लोग का आंसर होगा। यन बराबर कितना आ गया 16 पद, तो जो 16वां पद हुआ वही हम लोग का क्या हो जाएगा 78 होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 5वां क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब इसमें भी यन ऑफ पद ही टर्म ज्ञात करना है। जैसे चौथा में हम लोग निकाले हैं ना, वैसे सेम टू सेम 5वां में भी यन टर्म निकालना है। देखिए क्या दिया है पहला, तो पहला हम लोग देख ले, कोई एक हम सॉल्व कर देंगे या दोनों हम सॉल्व कर देंगे, अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें हम आप लोगों को दे देंगे। 7, 13, 19, 205 जो 205 पद है वो कौन सा पद है। देखिए इसमें कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम बता दे रहे हैं। तो क्या दिया पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 7, 13, 19, 205। अब देखिए यहाँ पे टी एन इजकल टू क्या हो जाएगा, अंतिम जो पद है 205 है, ए बराबर कितना हो जाएगा 7, एन का मान फाइंड आउट करना है, और डी बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से कितना घटाएंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 6, तो डी बराबर कितना आ गया 6 आ गया इसमें। तब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एन का मान ज्ञात करना है,
फार्मूला जानते हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तब देखिए इसमें टी एन, चलिए अब आते हैं इस पर कितना दिया है, टी एन बराबर कितना दे दिया 205, तो हम लोग 205 ले लेंगे। ए एक मान दिया है 7, यहाँ पे 7 रखें इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस वन, एन का मान फाइंड आउट करना है, डी का मान कितना दिया 6। ठीक है, अब इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 205 प्लस इधर है तो माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। ठीक है, अब इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 198 इक्वल टू कितना होगा एन माइनस वन इंटू 6। अब देखिए इसके आगे हम लोग यहाँ पर बता दे रहे हैं एन माइनस वन इक्वल टू 198 अपॉन 6, इसको काटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से एन माइनस वन इक्वल टू कितनी बार में कटिएगा 36 18 3 36 18 3 33 बार में कट जाएगा, तो 33 तो एन माइनस वन इक्वल टू कितना 33। अब ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस एन इक्वल टू 33 प्लस वन, तो एन इक्वल टू कितना होगा 34। ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये पहले का आंसर हो गया। पहले का आंसर क्या दिया देख लिया आप लोग, इसमें क्या करना था, इसमें एन का मान ज्ञात करना, मतलब 205 पद जो है, 205वां जो पद है ये कौन सा पद है, तो पद ये 205 हम लोग निकाल दिए, 34वां पद हम लोग का 205 आएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको लगाते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग लगा के सॉल्व करके बता दिया जाएगा। उसके बाद आगे जो इसमें बचेगा अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन में हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे जो आप लोग के लिए घर पे लगाने के लिए एक्सरसाइज के लिए हो जाएगा, जिससे आप लोग के लिए एक्सरसाइज होता रहेगा और आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया 18 15 से 1/2 13 डैश डैश करके कितना 47। 47वां पद हम लोग को ज्ञात करना है, 47वां पद ज्ञात करना है, तो देखिए क्या दिया है। अब इसको हम लोग बना लेंगे, सॉरी माइनस 47 माइनस करना है, माइनस 47वां पद ज्ञात करना है तो माइनस देख लीजिए, इसको हम लोग कर लेंगे कितना 15 दूना 30 31 31 बट्टा 2, सिंपल सीधा लिख सकते हैं इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें ए बराबर कितना दिए 18, यहाँ पे डी बराबर निकालेंगे तो इसमें से इतना कटाएंगे, मतलब 31/2 - 18 तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे डी का मान थोड़ा निकाल दिया जाए, 18 दूना 36 तो 31 - 36/2 निकालेंगे कितना होगा 5/2। ठीक है, तो इसका 5/2 आ जाएगा डी का मान, और ए एन या टी एन, टी एन इसका टू -47, और हम लोग को क्या है एन बराबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी सब आ गया होगा, सेम सेम देख लिए होंगे आप लोगों को, समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसको आगे बताते हैं, फार्मूला आप लोग जानते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टी एन का मान कितना दिया -47 इक्वल टू ए का मान कितना दिया 18 प्लस एन माइनस वन, डी का मान 5/2। अब देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, -47 - 18 इक्वल टू एन माइनस वन 5/2। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 65 इक्वल टू कितना होगा एन माइनस वन 5/2। अब इसको चाहे तो यहाँ से काट सकते हैं या गुणा करके काट लीजिए, तो हम लोग गुणा कर लेंगे, दो का इधर गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, तो -2 × 65 इक्वल टू, ये गुणा है तो डिवाइड में आ जाएगा 5 n - 1। ठीक है, इसको हम लोग काट लेंगे, कितना बार में कट जाएगा देख लीजिए 13 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस वन इक्वल टू -2 × 13 13 दूना 26 तो कितना हो जाएगा -26। अब ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, n इक्वल टू -26 + 1 तो n इक्वल टू कितना होगा -25। अब जो आंसर आया 25 मतलब -25वां पद जो हो जाएगा वही इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यह 25वां पद जो होगा हम लोग को 47 ला देगा, 25वां पद जैसे हम लोग घटाते जाएंगे, माइनस का मतलब ये होता है घटाते जाएंगे, कम करते जाएंगे तब इतना आएगा। एक बार और देख लीजिए, आप लोग को समझ नहीं आएगा होगा, ए बराबर 18 दिया तो 18
डी बराबर यहाँ से फाइंड आउट कर इसमें से इतना घटा देंगे, 15 दूना 30 एक 31, 31 बट्टा 2, तो 31 बट्टा 2 माइनस 18, तो इसका हम लोग इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूना 36, 31 माइनस 36 बट्टा 2 इसकल टू घटाएंगे कितना आएगा सॉरी यहाँ माइनस लगा लेंगे तो माइनस 512 हो जाएगा। अब टी एन इजकल टू कितना माइनस 47, अब एन का मान फाइंड आउट करना है, सब जगह माइनस लगा देंगे यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, अब इससे अच्छा यहाँ से प्लस करते जाएंगे बाकी सब आंसर 27 आ जाएगा यहाँ पे जोड़ देंगे तो ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग बता दे रहे हैं इसका क्या होगा, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या टी एन का मान 47 माइनस में माइनस 47 इजकल टू ए का मान 18 प्लस एन माइनस वन डी का मान कितना माइनस 5/2 माइनस 5/2 ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग माइनस 47 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस माइनस 18 इजकल टू एन माइनस वन माइनस 5/2 ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 65 हो जाएगा, ऐड आराम से कर सकते हैं आप लोग माइनस 65 देख लीजिएगा ऐड करके होता है कि नहीं, तो आप लोग ऐड कर लेंगे तो आराम से 65 आ जाएगा इजकल टू एन माइनस वन माइनस 5/2 ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस होगा। अब इसका इधर गुणा कर देंगे मतलब गुणा कर देंगे तो दो ऊपर जाएगा पाँच नीचे आ जाएगा, तो 2 × 65/5 इजकल टू एन माइनस वन इसको काट देंगे 13 × 5 = 65 तो 13 बार में कट जाएगा, तो एन माइनस वन इजकल टू क्या 2 × 13 यहाँ पे 2 है तो 2 × 13 कर लेंगे, 13 × 2 = 26 एन माइनस वन इजकल टू 26, अब माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो एन इजकल टू 26 + 1 एन इजकल टू कितना होगा 27, अतः इसमें देख लेंगे तो क्या अतः 27वां जो पद हुआ वही 40 − 47 आएगा। तो चलिए हम लोग छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आते हैं अगले छठवा क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, छठा क्वेश्चन में ये बोला है क्या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर सड़ी 11852 का एक पद -150 है तो क्यों है, ये हम लोग को देखना है, बस ये हम लोग सॉल्व करते देंगे क्यों ये भी बता देंगे। इसको देखिए सॉल्व करने का मेथड सिंपल तरीका एकदम ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसमें हम लोग समांतर श्रेणी कितना दिए 11852 डेड एडेस माइनस 150 जैसे पीछे था वैसे ये भी है, ए बराबर कितना होगा 11, डी बराबर याद कर इसमें से इतना कटाएंगे 5 × 60 या माइनस 3, यन माइन फाइंड आउट करना है और टी एन या ए एन बराबर माइनस 150 दे दिया है ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब देखिए इसको हम बता दे रहे हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए फार्मूला आप लोग जानते हैं टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है तो टी एन का मान कितना दिया माइनस 150 इजकल टू ये टी एन का मान यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे 150, ए इजकल टू कितना दिए 11 प्लस एन माइनस वन डी का मान कितना दिए माइनस 3 है तो माइनस 3 ठीक है। अब इसको प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 150 माइनस 11 इजकल टू एन माइनस वन इंटू माइनस 3, अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो क्या होगा 161 ऐड करेंगे तो इजकल टू ये माइनस 3 है गुणे में तो डिवाइड में आ जाएगा, इजकल टू कितना होगा एन माइनस वन ये काट देंगे, इसको भी काट देंगे आराम से तो कितना आएगा 53.66 आएगा। तब देखिए इजकल टू क्या होगा एन माइनस वन, अब देखिए यहाँ पर से एन माइनस वन इजकल टू 53.66 ये माइनस इधर जाएगा क्या होगा प्लस होगा, आगे इधर दिखा दे रहे हैं एन इजकल टू 53.66 प्लस वन, एन इजकल टू इसको इसमें जोड़ेंगे इसमें नहीं इसमें जोड़ देंगे 54.66 यही कितना आंसर हो जाएगा। ये हम लोग छठवां आंसर हो गया, सातवां जो आप लोग का क्वेश्चन दिया जाएगा सातवां आप लोग करिएगा, आगे से जो भी अगला क्वेश्चन आठवां होगा उसको हम बताएंगे। आई होप आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद हमीद सर को एंड प्रेस द पर बेल आइकन और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद। With the